हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, इस ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग से। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो इसमें से राइट आंसर होगा, बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताओ? तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अबूझमांड। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चांपा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताओ? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है? छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है दोस्तों, बताओ? इसका राइट ऑप्शन है ए, साल। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, बताओ दोस्तों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीन राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है, बताओ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। आपका अगला प्रश्न है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो बताओ इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जसपुर। आपका अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, बताओ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोकपाल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बताओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिले में स्थित है यह जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महापाषाणीय संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, रायपुर।
नेक्स्ट प्रश्न है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नल। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघराज कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकांतार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? इसका राइट आंसर है ए, कलचुरी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था तो कौन था बताओ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबाजी भोसला। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल दिनकर इनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था तो इसका राइट आंसर है कैप्टन एडमंड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खल्लारी। नेक्स्ट प्रश्न है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो इसका राइट आंसर है मराठों ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में।